हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष टेक। दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए जो इनको गाने सुनने काफ़ी पसंद है, उनके लिए मैं कुछ ऐसे ऐप ला रखा हूँ जो भी काफ़ी काम आई है, और ऐसी ट्रिक जो कि उनके काफ़ी हेल्पफुल होगी डेली बेसिक में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले ऐप की बात करें, उसका नाम है स्प्लिट क्लाउड। दोस्तों, उसका मेन फंक्शन ये है, आप एक एयरफोन से दो म्यूज़िक एक साथ सुन सकते हो। दोस्तों, राइट वाले में अलग म्यूज़िक, लेफ्ट वाले में अलग। बेसिकली दोस्तों, उसमें दो ट्रैक दिए होते हैं, जिसके लेफ्ट का अलग दिया जाता है, राइट का अलग। उसमें दो अलग अलग म्यूज़िक एक साथ सुन सकते हो, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, अगर हम दूसरे ऐप की बात करें, उसका नाम है बास बूस्टर। दोस्तों, ये ऐप काफ़ी काम आता है अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करते हो। दोस्तों, अगर आपका वायर्ड ईयरफोन है तो आपके फ़ोन में बेसिकली एक साउंड इफेक्ट ऑलरेडी दिया जाता है, जिससे आप इक्वलाइजर कर सकते हो, बेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। पर आपके पास जो ब्लूटूथ एयरफोन है, जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट दिया जाता है साउंड इफेक्ट इक्वलाइजर, वो आप बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आप बेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये ऐप काफ़ी काम आएगा अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो। दोस्तों, अगर हम तीसरी ऐप की बात करें, उसका नाम है म्यूटिफाई। दोस्तों, उसका मेन वर्क ये है, अगर आप स्पॉटिफाई में म्यूज़िक सुनते हो पर आप उसके ऐड से परेशान हो, और उसके ऐड आपको काफ़ी बेकार लगते हैं, बीच बीच में काफ़ी लाउड ऐड उसमें मिल जाते हैं आपको देखने को हर 30 मिनट के बाद। दोस्तों, अगर आप इन ऐड से आप बचना चाहते हो तो ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करिए। इसका मैं आपको ट्यूटोरियल बता दूंगा आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल की स्क्रीन की ओर। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑन कर लेना है स्पॉटिफाई। चलिए इसे फटाफट ऑन करते हैं। इसमें हमको कर लेनी है सेटिंग में जाना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमको नीचे स्लाइड जाना है, यहाँ आपको दिखेगा डिवाइस ब्रॉडकास्ट स्टेटस, इसको हमें इनेबल कर लेना है। फिर हमको जाना है म्यूटिफाई में, यहाँ पे आपको करना है म्यूटिफाई ऐड इनेबल। अगर हम म्यूट, अगर ऐड म्यूट हो गए तो यहाँ पे रेड रंग की स्ट्राइप, अगर अनम्यूट हो गए तो ग्रीन रंग की स्ट्राइप आएगी। चलिए ओपन स्पॉटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम गाना कोई सर्च मारेंगे। यहाँ पे नेफेक्स के गाने सर्च मार लेता हूँ। ये हमने प्ले कर लिया साउंड सॉन्ग। दोस्तों, बैक करके हम जाएंगे म्यूटिफाई में। आप यहीं से इसकी ट्रैक चेंज कर सकते हैं, आप आगे पीछे गाने को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऐड आएगा तो वो म्यूट हो जाएगा। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये ऐड हटेगा नहीं, ये म्यूट होगा, ये ऐप ऐड को म्यूट करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये कोई ऐप नहीं है, ये एक ट्रिक है। दोस्तों, अगर आप YouTube में म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं पर आप म्यूज़िक को बैकग्राउंड में बजाना चाहते हैं, तो ये ट्रिक आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए चलना पड़ेगा हमारे मोबाइल की स्क्रीन की ओर। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गूगल क्रोम में, एंड देन आपको उसमें यूट्यूब ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च बार में जाना है, वहाँ आपको कोई म्यूज़िक या वीडियो सर्च कर लेनी है। जैसे कि मैंने नेफेक्स की कोई NCS की वीडियो सर्च कर ली। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है साइड में क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइड इनेबल कर लेना है। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। चलिए दोस्तों, इसे प्ले कर लेते हैं इस वीडियो को। प्ले करने के बाद आपको दोस्तों सिंपली करना है होम बटन दबाना है। यहाँ कुछ बैकग्राउंड में आ जाएगा, और ऊपर स्लाइड करना है तो यहाँ से आप म्यूज़िक को चालू कर सकते हो। सिंपल सा ट्रिक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो भी मैंने ऐप के नाम बताए वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।